हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स के कुछ टिप्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता रही हूँ कुछ हरे धनिया के लिए के टिप्स, कोरिएंडर लीव्स को लेकर के। तो जब भी हम कोरिएंडर लीव्स को स्टोर करके रखते हैं, तो अक्सर हम जब हमें चाहिए होता है तो हम चाकू से काट करके इस तरह से निकाल लेते हैं। लेकिन इस तरह से आपको चाकू से काट के बीच में से हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए, इससे बाकी का हरा धनिया सड़ने लगता है। तो जब भी आपको धनिया चाहिए तो आप इस तरह से लीव्स को निकाल लीजिए, जितना आपको चाहिए उस तरह से निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप निकालेंगी तो आपका बाकी का धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। जबकि आप काट के निकालेंगी तो वो हरा धनिया जो आपका सड़ने लगेगा। दूसरी टिप मैं बता रही हूँ कि जब भी आप धनिया में स्टेम्स को मत निकालिए, अगर आप चटनी बना रही हैं तो स्टेम्स को इसी में रहने दीजिए, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं इस धनिया को धो लेती हूँ, पहले अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। देखिए, बाकी के बचे हुए धनिया को मैंने वॉश कर लिया है। जितना धनिया चाहिए था मैंने एक बॉल में सामने जो अब येलो वाला देख रहे हैं उसमें मैंने निकाल दिया है, और बाकी के धनिया को मैंने वॉश करने के बाद अब मैं इसको चॉप करने जा रही हूँ। तो मैं इसको अभी बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं कर रही हूँ, मैं इसको जस्ट चॉप कर रही हूँ। वो चॉप मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें स्टेम्स रहने दिए हैं, स्टेम्स को मैंने रिमूव नहीं किया है। तो मैं इसको सीधे जार में चॉप कर रही हूँ, और चॉप करने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी। और इसके लिए मैंने इसमें डाल रही हूँ सिर्फ एक स्पून, मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। जितना चाहिए आपको आप धनिया के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपकी धनिया की है। तो सॉल्ट क्या करता है, एक तो आपका धनिया उसका प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, दूसरी चीज़ आपका कलर जो होता है ग्रीन वो मेंटेन करेगा सॉल्ट। तो इसको मैंने एक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, और अब इसको मैं किसी जार में निकाल के रख दीजिए आप, या कोई एयरटाइट कंटेनर है उसमें निकाल के आप इसको रख दीजिए। तो मैंने इसमें निकाल लिया है, और बस अब मैंने इसको निकालने के बाद आप ढक्कन बंद करके अब इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में आप इसको रखेंगे तो एक हफ्ते तक आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बता रही हूँ सिर्फ एक हफ्ते के तक। और फ्रीज़ में रख के भी आप इसको आराम से एक हफ्ते तक या 4-5 दिन तक यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको जौन सी भी चटनी बनानी है, आंवले की चटनी बनानी है, टमाटर की चटनी बनानी है, हरी मिर्च की चटनी बनानी है, या फिर अमरूद की चटनी बनानी है, कोई भी चटनी आपको बनानी है उसमें से बस आप अपने 1 या 2 स्पून अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, तो आपकी चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो इस तरह से आपकी इंस्टेंट चटनी तैयार हो जाएगी। आपको उस वक्त धनिया छाटना बीनना पीसना नहीं पड़ेगा, साफ नहीं करना पड़ेगा, तो आपका सर टाइम भी सेव होगा और धनिया आपकी चटनी तुरंत बनके तैयार हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका मैं दूसरा बता रही हूँ, मैं दूसरी टिप है मेरी पालक को लेकर के, कि जब भी हम पालक को साफ़ करते हैं तो पालक को अच्छे से आप जब भी फ्रिज में रखिए आप पालक को, तो पालक को अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए, एक एक पत्ता आप इसका चुन के साफ़ कर लीजिए। और हाँ, आप इसके स्टेम्स जो होते हैं सॉफ्ट स्टेम होते हैं उनको उसी में रहने दीजिए, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि जो येलो वाली लीव्स होती हैं पालक की, अक्सर हम देखते हैं कि अगर वो सड़ नहीं रही है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम उसको पालक में डाल लेते हैं। लेकिन कभी भी हमको इस तरह की जो लीव्स होती हैं उसको पालक में नहीं, खाने में नहीं डालना चाहिए, खाने में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लीव्स जो होती है एक पेस्ट्स की वजह से हो जाती हैं, या कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है प्लांट्स को, प्लांट की डिसीजेज होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप ऐसी लीव्स को खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरह की लीव्स को कभी भी इग्नोर ना करें, उनको ज़रूर रिमूव कर दें, खाने में कभी ना डालें। तो मैं पालक को मैंने साफ़ कर लिया था, मैंने आपको बताया था कि चुन चुन के साफ़ कर लिया था, ताकि इसमें कोई भी ख़राब लीफ ना हो या कोई भी एक्स्ट्रा गंदगी इसमें ना हो। तो अब इसको मैं पालक को निकाल दूंगी, और इस तरह की पॉलीथीन में, प्लास्टिक की पॉलीथीन में पालक को नहीं रखेंगे, तो जो इसमें इस पालक झड़ने का चांस रहता है। तो इस तरह से जो कपड़े वाली कैरी बैग आती है हम इसमें पालक को रखेंगे। हाँ, मैं पालक को धो के नहीं रख रही हूँ। अगर आप धो के रख रहे हैं तो पालक का पानी एकदम रिमूव कर दीजिए, पानी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पानी रहेगा तो आपकी पालक सड़ने लगेगी। जबकि अगर पालक पानी नहीं रहेगा, पालक सूखी रहेगी, तो आप इसको एक हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से पॉलीथीन में बंद करके आप इसको पालक को रख दीजिए, और एक हफ्ते तक बिल्कुल ख़राब नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, और जब आपको चाहिए तब यूज़ कर लीजिए। हाँ, यूज़ करने से पहले आप उसको धो जरूर लीजिएगा। तो बाकी के पालक को भी मैंने धो लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि अब इसको इसका भी मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो इसको मैं बारीक से मैंने चॉप भी कर लिया है इसको, तो उसको चॉप करने के बाद इसका भी मैं पेस्ट बनाऊंगी, और इसको भी मैं इसी जार में पीस रही हूँ जिसमें मैंने धनिया पीसा था। तो ये धनिया का ही जार है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पालक भी पीसना है तो मैं इसी में डाल के इसको पीस लूँगी। तो इसमें पीसने के पीस के रखने के लिए इसमें मैं इसमें साथ में 2-3 हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ, क्योंकि पीसे हुए पालक को आप मैं ज़्यादातर पराठे या पूरी में यूज़ करती हूँ, तो उसमें मैं हरी मिर्ची डालती हूँ तो बाद में नहीं डालनी पड़ेगी, इसलिए मैं भी डाल देती हूँ। साथ में डाल दिया मैंने 1 चम्मच नमक, जो कि मैंने आपको बताया था प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और एक ग्रीन कलर, बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर मेंटेन करके रखता है। तो मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार कर लिया है,
और देखिए इसको भी आप किसी डब्बे में, जार में, किसी में भी निकाल करके आप इसको रख सकते हैं। बस आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रख रहे हैं तो आप 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते तक उसको फ्रिज में रखा रहेगा, और आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक भी स्टोर करके इसको रख सकते हैं। तो इसको जब आपको चाहिए, हाँ, फ्रीज़र में आप रखेंगे तो ये जम जाएगा, तो आप इसको थोड़ी सी देर पहले निकाल दीजिए यूज़ करने से पहले। और बस अपने पराठे या पालक पूरी जिसमें भी बनाना चाहते हैं पूरीज में, उसमें आटे में मिक्स कीजिए, और बहुत फटाफट से आप इंस्टेंट आप इसकी सब्जी पूरी बना सकते हैं। साथ में मैं ये मेथी भी साफ़ कर रही थी, तो मेथी साफ़ करते वक्त अब मैं जो इसमें स्टेम्स होते हैं मेथी में, वो मैं पूरे निकाल देती हूँ, क्योंकि मेथी के स्टेम्स थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इनको ज़रूर रिमूव कर दीजिए, सिर्फ लीव्स उसकी तोड़ लीजिए। तो इससे आप जिस भी चीज़ में मेथी डालेंगे बहुत अच्छे से आपकी सब्जी बनेगी या फिर पराठा वगैरह बनेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि जब भी आप ये ग्रीन वेजिटेबल्स को हम साफ़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, मेथी में, पालक में, मटर में, छिलके वगैरह में, तो उसको हम अक्सर क्या करते हैं, इस तरह से बांध के हम फेंक देते हैं कचरे में, ना फेंक कर हम इस तरह से बांध के फेंक देते हैं कि कोई गाय वगैरह आएगी तो खा जाएगी। अच्छा सोच है, लेकिन कभी भी हमें पॉलीथीन में बांध के नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि गाय क्या करती है, एनिमल है, उसको नहीं पता कि क्या उसके लिए हार्मफुल है। वो अक्सर जब खाती है तो पॉलीथीन के साथ में खा जाती है, और पॉलीथीन उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो प्लीज़ कभी भी इस तरह से पॉलीथीन में बांध के मत फेंकिए। अगर आप गाय को खिलाना चाहते हैं तो किसी टब वगैरह में रख दीजिए और गाय को खिला दीजिए। मेरे घर के पास जब भी गाय आती है तो मैं इस तरह से उसको टब में रख के खिला देती हूँ। इससे रोड पे कचरा भी नहीं फैलता है और गाय को हार्म भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।